आज मैं आया हूँ मक्का की ज़्यारतों के लिए। सबसे पहले मैं आया था गारे सूर, और उसके बाद हम लोग आए हैं अरफात की पहाड़ी पे। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, नीचे भी काफ़ी सारे लोग हैं और ऊपर भी हैं काफ़ी सारे लोग हैं। बस मैं उतर रहा हूँ उस पहाड़ी से, तो थोड़ा सा ख़तरनाक रास्ता है यहाँ का, क्योंकि कोई सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं। पत्थरों के ऊपर से ही आपको चढ़ के आना होता है, और नीचे भी यहीं से ही उतरना है। बस मैं नीचे उतर गया, थोड़ा सा मुश्किल लगा लेकिन चोट नहीं लगी और नहीं मैं कहीं गिरा। कहाँ लगी? हमारी बस उस साइड पे, तो बस अब हम लोग उस साइड पे ही जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा रश है नीचे, और काफ़ी सारी बसें नीचे रोड पर खड़ी हुई हैं। अभी मेरे को जो है अपनी बस ढूंढनी है, दूसरे मुकाम पे जाना है। आराम से 4 किलोमीटर की मुसाफत पे है, 1 घंटा 20 मिनट लगता है इसके ऊपर। 932 की सीढ़ियां हैं। इस पहाड़ की खास बात यह है कि रात को भी आएंगे तो ये ऐसी नजर आएगा जैसे ये अगर नजर आना है। इसको रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी इतदात में रात को हाजी इस पहाड़ पे जाते हैं, कोई जाना चाहे रात को नमाज मगरब या नमाज इशा के बाद इस पहाड़ पे जा सकता है। तो कल मक्का में मेरा जो है आखिरी दिन है, और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज गारे हिरा की भी ज्यारत की जाए। मैं गारे सूर से भी होकर आया हूँ, गारे सूर की भी ज्यारत की, काफ़ी मज़ा आया मुझे भी। आज मैं जो है गारे हिरा की तरफ आया हूँ, और बस गारे हिरा के पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं जाऊँगा गारे हिरा में। नहीं नहीं नहीं, पानी बोतल इसमें है, बैग में, बैग में सब कुछ है, सब कुछ है। गारे हिरा की जो चढ़ाई है वो थोड़ी कम है अगर कंपेयर की जाए गारे सूर से, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आधे पौन घंटे तक मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा, क्योंकि कल गारे सूर में मेरे को ऊपर चढ़ने में 2 से 2.25 घंटे लगे थे। तो अच्छा, तो मैंने भी जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। जब मैं ऊपर आ रहा था तो अजान हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नमाज़ पढ़ के ही ऊपर चढ़ा जाए। और अभी मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आया हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैं अल्लाह से दुआ भी यही करूँगा कि भाई हल्की हल्की बारिश होती रहे, क्योंकि अगर तेज़ बारिश हो गई ऊपर तो थोड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि कल मैं जब गारे सूर पे था तो ऊपर तेज़ बारिश हो गई थी, और फिर मेरे को जो है पत्थरों के पीछे शेल्टर लेना पड़ा था। अभी पहाड़ शुरू नहीं हुआ है और सिर्फ ऊपर जाने का ही रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है। काफ़ी जो ये पहाड़ तक जाने का भी जो रास्ता है वो काफ़ी मैंने चढ़ाई वाला है। टैक्सी वाले ने जब ही हमारे को रोड पर ही उतार दिया था, उसने कहा था कि भाई मैं पहाड़ तक लेके नहीं जाऊँगा, तो अब हमें समझ आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया था। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और आप देख सकते हो कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर गाड़ियों का। यहाँ से जो है पहाड़ का रास्ता शुरू होता है। ये पहली सीढ़ी आ गई है भाई गारे सूर जाने तक। यहाँ पे जो है ना बारिश अब रुक गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हब्स हो गया है, तो अभी थोड़े पसीने आ रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको शहर का इतना खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। और अभी मैं जो है थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ाऊँ, गारे हिरा जो है काफ़ी ऊपर है पर अंधेरा काफ़ी हो गया है, तो वीडियो में भी सही से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तकरीबन जो है ऊपर चढ़ने में 1.25 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बस अब थोड़ा सा ही फासला रह गया, और यहाँ पर जो है ग्रिलें भी आ गई हैं जिसके सहारे से आप ऊपर चढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग जो है ऊपर आ गए हैं, अब बस थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ रह गई हैं,
गार हिरा तक पहुंचने के लिए, और अंधेरा काफ़ी हो गया है यहाँ पे, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। लोग तो हिराम भी हैं और ऊपर कुछ लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो थे वो जा चुके हैं जो पहले मौजूद थे, लेकिन अभी भी ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, गार हिरा ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत क्लोज जगह है। भाई तो पीछे थी नमाज पढ़ने की जगह, और उससे नीचे थी गारे हिरा जहाँ पे आप नफिल अदा कर सकते हो, और इसके सामने है यहाँ पे शॉप जहाँ से आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हो। ईशा की नमाज भी मैंने ऊपर पढ़ी थी और नफिल भी मैंने ऊपर ही पढ़े, और बस अब यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे और पूरे शहर का यहाँ से जो है ना बहुत खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी 9 बज रहे हैं। हम लोगों ने जो है ऊपर चढ़ना 6 बजे स्टार्ट किया था और 6:45 तक हम लोग ऊपर आ गए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर नमाज़ पढ़ी, नफिल अदा किए, फिर थोड़ी देर शॉप के पास बैठ गए, बिस्किट वगैरह खाए, और अब जो है ना बस नीचे उतर रहे हैं। भाई यहाँ पर कचरा जो है ना लोग बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, जगह जगह पर जो है काफ़ी कचरा है। तो आप लोग कोशिश करो कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपने जो रैपर्स हैं खाने पीने के और जो कचरा है वो अपने साथ ही ले जाओ, ताकि ये जगह ज़्यादा गंदी ना हो। अच्छा भाई, तो अभी मैं आ गया हूँ जबले नूर से नीचे, और मेरे पीछे ही जो है बैक साइड पर जबले नूर है। अभी अंधेरा हो रहा है। हम लोग जो है ना 6 बजे चढ़ना स्टार्ट हुए थे जबले नूर पे, और जबले नूर पे जब हम लोग चढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन चढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई और काफ़ी मज़ा आया ऊपर, और जो ऊपर फीलिंग्स थी ना वो बंदा यहाँ पर खुद ही आकर फील कर सकता है। रात में हम लोग आए तो हमारे को एक बेनिफिट ये हुआ है कि हमें गारे हिरा जो है खाली मिल गई थी, ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पर, तो मैंने नफिल भी अदा किए और ईशा के फ़र्ज भी सुकून से अदा किए। बस ये था आज का व्लॉग गारे हिरा की ज़्यारत के बारे में। अल्लाह हाफिज़।